हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है अगर न्यू वीडियो में। तो आज हम रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना, आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की और आपको बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि राइट अ ब्रीफली अबाउट एस्पेक्ट ऑफ द नॉवल बाय ईएम फोस्टर इन अ वेरी लॉन्ग आंसर टाइप फॉर्म। तो इस तरीके से आपका फिफ्थ क्वेश्चन बनेगा कि आपको ब्रीफली एक्सपेक्ट ऑफ द नॉवल बताना है जो बाय ईएम फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे ब्रीफली बतानी है उसके बारे में। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका किस तरीके का बनेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर इसका आपका सेकेंड क्वेश्चन बनेगा, वॉट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉवल इन एक्सपेक्ट ऑफ नॉवल बाय ईएम फोस्टर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, डिफरेंसेस आपको यहाँ पे बताने हैं। फिर आपका क्वेश्चन बनता है, हाउ फार इज जस्टिफाइड टू से दैट अ नॉवल रिफ्लेक्ट सोसाइटी, राइट अ क्रिटिकल नोट विद रेफरेंस टू वन नॉवल दैट यू हैव रीड दिस कोर्स। तो इस तरीके से आपको थर्ड क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर आप ये क्वेश्चंस के आंसर चाहते हो तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। बट लेकिन मेरा आपका मोटिव है आपको बताने का कि आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है सेकेंड यूनिट से, राइट अ ब्रीफली अबाउट चैटर्जी सोशल इशू अबाउट हिंदुज्म एंड वुमेन। यानी कि आपको एक ब्रीफली बताना है कि चैटर्जी सोशल इशू क्या थे, कि हिंदुज्म के बारे में और वुमेन को लेकर क्या इशू थे, वो चीज़ आपको बतानी है। एंड क्रिटिकली कमेंट ऑन द इशू ऑफ जेंडर इन द नॉवल ऑफ आनंद मद। तो आपके क्या क्या उसमें जेंडर से रिलेटेड क्या क्रिटिकल इशू थे, वो चीज़ आपको यहाँ पे पूरी बतानी है। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन है, तो इनका दोनों का आंसर सेम होगा। जाके हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करो इस पीडीएफ के लिए। फिर आपका क्वेश्चन बनता है, क्रिटिकली कमेंट ऑन आनंद मद बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इस तरीके से आपको कमेंट करना है, फिर उसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इसमें आंसर दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हो। तो पूरा क्रेडिट मनीष वर्मा सर को जाता है जिन्होंने ये पीडीएफ क्रिएट किया है, एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे रेफरेंस उनके ही थ्रू यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका आंसर आप देख सकते हो किस तरीके का है। फिर आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सॉन्ग इन द नॉवल आनंद मद। यानी कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉन्ग इन द नॉवल आनंद मद आपको दिखाना है। तो उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। तो एक अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष वर्मा सर को क्रेडिट जाता है इस पीडीएफ का। मैं कोई ये नहीं कहूँगा कि पीडीएफ मैंने बनाया है, मनीष वर्मा सर का पीडीएफ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द इशू ऑफ द जेंडर इन द नॉवल आनंद मद। यानी कि आपको कमेंट करना है कि जो जेंडर के रिगार्डिंग जो इश्यूज है नॉवल में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो पूरा आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। तो इसका पूरा आंसर दे रखा है, आप इसको देख सकते हो। और बाकी हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना जाके, वहाँ पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपकी थर्ड यूनिट आती है, जिसमें आता है कि गिव अ डिटेल रिव्यू ऑफ चमन नहल आज़ादी। तो आपको यहाँ पे डिटेल बतानी है, उसका रिव्यू बताना है चमन नहल आज़ादी का। तो यहाँ पे पूरा रिव्यू दे रखा है, समरी दे रखी है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आपको जितना भी आपने पढ़ा होगा उसके बारे में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिव्यू करनी है और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। फिर आता है, राइट अबाउट चमनलाल नेहल एंड हिज इम्पोर्टेंट वर्क। यानी कि आपको चमनलाल नेहल के बारे में बताना है, फिर उसके बाद उसके इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे चमनलाल नेहल के बारे में, फिर उसके वर्क क्या है वो चीज़ आपको बतानी है, जैसे माई ट्रू फेस, आज़ादी, द इंग्लिश क्वींस। तो इस तरीके से आपको आंसर दे रखा है, जैसे यहाँ पर वैसे ही आपको वहाँ पर बताना है। फिर आपका आता है, एनालाइज द करेक्टर ऑफ लाला कंशीराम इन नॉवल आज़ादी। अब यहाँ पे आपको करेक्टर को एनालाइज करना है जो कि लाला कांशीराम का है, नॉवल रहेगा आज़ादी। तो उसमें क्या आप जो करेक्टर है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो ये सारी चीज़ लिख रखी है, आप उसको देख सकते हो। तो इस तरीके का इसका आंसर रहेगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बोलना। हाउ इज़ लाला कांशीराम लाइफ अफेक्टेड बाय पार्टीशन। अब यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ उसके अफेक्ट से कांशीराम की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा, वो चीज़ आपको बतानी है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख रखा है, तो आप देख सकते हो।
पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है हर क्वेश्चन के आंसर को, तो आप उसको अच्छे से लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हो। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन के आंसर थे, आई होप आपको पता चले होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इसका क्रेडिट मनीष वर्मा सर को जाता है। तो वीडियो को ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार मैं आपको अगेन पूरा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन। अगेन आपके लिए एक बार क्वेश्चन दोबारे से पूरे पीडीएफ को स्क्रॉल कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी, ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से देख पाएँ सारे क्वेश्चन के आंसर।